हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन 4 रोज का डिज़ाइन है, वही 4 रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 3 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 3। इसमें मैंने 6 का मल्टीपल करके 18 प्लस 3 कर लिया है, टोटल 21 फंदा डाला है। एक सिलाई बेस के लिए बुनना है, ये बेस रो आपको रिपीट नहीं करना है, जस्ट बेस के लिए है। एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा पीछे, एक फंदा से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 2 आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, आपको रिपीट करना है पूरी सिलाई में। धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इसी तरह से आपको फर्स्ट बेस रो आपको कंप्लीट करना है। धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, 1 2 फंदा सीधा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, ये 2 फंदे उल्टा। एक सिलाई बेस रो बुनने के बाद आपको यहाँ से रो 1 स्टार्ट करना है। रो 1 एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। एक फंदा सीधा सीधा बुनना है, पर यहाँ से नीडल नहीं डालना है आपको, एक सिलाई नीचे से आपको नीडल डालना है। देखिए यहाँ से नहीं, यहाँ से एक सिलाई नीचे से आपको नीडल डालना है। यहाँ से इस फंदे को सीधा बुनना है इस तरह से, ऐसे धागा आगे। अब 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, और फिर इस सीधा फंदों में आपको, एक फंदों में आपको 3 फंदा निकालना है। इस तरह से सीधा बुनते हुए आपको 3 फंदा निकालना है, 1 ये यहाँ पर, 2 फिर इसी होल में डालना है नीडल, 3। एक फंदों में से आपको इस तरह से 3 फंदा निकालना है, फिर धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2। एक फंदा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर एक फंदों में से आपको 3 फंदा निकालना है, 1 2 3, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2। आपको ये रिपीट करना है बार बार, फिर से इन्हीं पैटर्न को रिपीट करना है। धागा पीछे, अब सीधा एक फंदा सीधा सीधा बुनना है, पर यहाँ से नीडल नहीं डालना है आपको, एक सिलाई नीचे से आपको सीधा बुनना है इस फंदे को, ऐसे धागा आगे, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब इस फंदों में आपको 3 फंदा निकालना है, 1 या नंबर 2, फिर इसी होल में डालना है नीडल, 3, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2। दो डिजाइन खत्म हुआ है यहाँ तक। फिर से एक बार रिपीट करना है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक सिलाई नीचे से आपको इस फंदे को सीधा बुनना है इस तरह से, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब इस फंदे को सीधा बुनते हुए आपको 3 फंदा बनाना है, 1 2 3, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा। यहाँ तक आपको 3 डिजाइन खत्म हुआ है यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा इसको, धागा पीछे। अब इस सीधा फंदों को आपको एक सिलाई नीचे से आपको इस फंदे को सीधा बुनना है, ऐसे धागा आगे, लास्ट का एज स्टिच उल्टा। सेकेंड रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे। जो एक फंदों में हमने 3 फंदा बनाए थे उसको अब उल्टा बुनना है, 3 फंदा उल्टा, 1 2
तीन धागा पीछे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। आपको यही रिपीट करना है बार बार, फिर से इन्हीं पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से रिपीट करना है एक बार। एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा। तीन डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा, एडजस्टेड भी उल्टा। थर्ड रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। अब इस फंदे को, इस सीधा फंदों को आपको एक सिलाई नीचे से सीधा बुनना है। इस यहाँ से नहीं, आपको नीडल डालना है एक सिलाई नीचे से, यहाँ से देखिए, यहाँ से नहीं, एक सिलाई नीचे से यहाँ से आपको इस सीधा फंदा बुनना है। इस तरह से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा, दो का एक करना है आगे की साइड से। फिर अब ये बीच का एक फंदा सीधा, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, दो का एक करना है पीछे की साइड से। इस फंदे की तरह से पलट देना है, फिर पीछे की साइड से ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है। अब धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब यही रिपीट करना है आपको। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक करना है आगे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है यही, फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक सिलाई नीचे से यहाँ से नहीं, एक सिलाई नीचे से यहाँ से आपको इस तरह से आपको इस सीधा बुनना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है, ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा, दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। फिर एक फंदा सीधा, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। इस फंदे को इस तरह से पलट देना है, ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा, पीछे की साइड से ये दो का एक करेंगे इस तरह से। धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा। दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। धागा पीछे, अब इस सीधा फंदों को आपको एक सिलाई नीचे से सीधा बुनना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब उल्टा फंदा, सीधा फंदा, दो का एक करेंगे इस तरह से। फिर ये बीच का एक फंदा सीधा, फिर ये दो का एक करेंगे, उल्टा सीधा फंदा, उल्टा फंदा, पीछे की साइड से इस तरह से दो का एक करेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ तक तीन डिजाइन खत्म हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, ये सीधा फंदा को आपको एक सिलाई नीचे से सीधा बुनना है। धागा आगे, लास्ट का एडजस्टेज उल्टा। फोर्थ रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा। जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। फोर्थ रो, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, फिर से इन्हीं पैटर्न को रिपीट करना है आपको। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। यहाँ तक तीन डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा। देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन एट रो का डिजाइन है, सॉरी फोर रो का डिजाइन है। वही फोर रोज आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे। देखिए एक बार फिर से रो वन स्टार्ट करके दिखाऊंगी। रो वन एक फंदे से स्लिप करिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको।
अब एक सलाई नीचे से आपको एक सलाई नीचे से सीधा बुनना है इस फंदे को धागा आगे। अब दो फंदा उल्टा एक, अब इस सीधा फंदा को भी आपको उल्टा बुनना है, दो दो फंदा सीधा धागा आगे। अब इस फंदों में आपको बीच का फंदों में आपको एक फंदों में से तीन फंदा निकालना है, एक ये दो ये तीन, धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो। अब ये रिपीट करना है आपको, ये एक फंदा छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है एक फंदा सीधा दो फंदा उल्टा एक दो, फिर एक फंदों में से आपको तीन फंदा निकालना है, फिर दो फंदा उल्टा एक दो, फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा एक सलाई नीचे से आपको इस फंदे को सीधा बुनना है, ऐसे धागा आगे दो फंदा उल्टा एक, दो फंदा उल्टा, अभी सीधा फंदा को आपको उल्टा बुनना है, दो धागा पीछे, अभी सीधा बीच का सेंटर फंदा में आपको तीन फंदा निकालना है, एक फंदों में से एक दो तीन, धागा आगे दो फंदा उल्टा, अभी सीधा फंदा को भी उल्टा बुनना है, एक ये दो, दो फंदा उल्टा, दो दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा एक सलाई नीचे से आपको सीधा बुनना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा एक, अभी सीधा फंदा को भी उल्टा बुनना है दो, धागा पीछे, फिर इस सलाई में आपको तीन फंदा निकालना है, एक दो ये तीन, धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो। यहाँ तक तीन डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा धागा पीछे, इस सलाई को आपको एक सलाई नीचे से यहाँ से फंदा निकालना है, धागा आगे लास्ट का एडजस्टिज उल्टा। देखिए फ्रेंड ये डिजाइन जस्ट फोरज का डिजाइन है, फोरज आपको रिपीट करते जाना है, आपको आगे आगे पूरी प्रोजेक्ट में 1-4 रिपीट करना है आपको, देन ऐसे डिजाइन बन के आएगा बुनने के बाद। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।